दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये हमारा 10वां वीडियो है और आज के इस वीडियो के लिए हमने टॉपिकल वोकैबुलरी को चुना है और इस टॉपिकल वोकैबुलरी का हमने जो मौजू रखा है वो है डॉक्टर्स एंड मेंटल डिजीज, यानी डॉक्टर और मनोरोग से जुड़ी शब्दावली आपको मिलेगी और डॉक्टरों और जहनी बीमारियों की इस्तलाहात पर हम बात करेंगे। डॉक्टर का मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि खास बीमारियों के लिए खास तरह के डॉक्टर होते हैं और उनके मखसूस नाम होते हैं। तो शुरुआत हम इसी से करेंगे। सबसे पहले हम अक्सर सुनते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के बारे में। वो होता है त्वचा रोग माहिर जिल्द, त्वचा रोग विशेषज्ञ या चर्म रोग विशेषज्ञ। उसके बाद हम अक्सर सुनते हैं ऑर्थोपेडिक, जो हड्डी का डॉक्टर होता है। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट माहिर अमराज निस्वा, स्त्री रोग विशेषज्ञ। उसके बाद एक डॉक्टर होता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो मेदे और आंत का डॉक्टर होता है, जिसे हम हिंदी में जठरांत्र रोग कहते हैं। उसके बाद है इंटरनिस्ट, ये माहिरे अमराज बातनिया यानी शरीर के आंतरिक अंगों की बीमारियों का विशेषज्ञ होता है, आंतरिक रोग विशेषज्ञ होता है। फिर है ऑब्स्टेट्रिशियन, ये है जच्चा बच्चा माहिर प्रसूति विज्ञान। फिर है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये है तबीबे चश्म यानी नेत्र विशेषज्ञ, आंखों के डॉक्टर। उसके बाद है ऑर्थोडोनेस्टिस्ट, ये है दांतों का विशेषज्ञ या वो डॉक्टर जो दांतों को सीधा करता है, माहिरे दंदान दंत संशोधक यानी दंत को ठीक करने वाला। फिर है पैथोलॉजिस्ट, जो माहिरे इल्मुल अमराज यानी रोग विज्ञानी होता है, जो रोगों के कारणों को जानने का डॉक्टर होता है कि अगर किसी को कोई मर्ज हुआ है तो उसकी क्या वजह है। फिर है पीडियाट्रिशियन, ये सिर्फ छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ माहिरे अमराज अतफाल। फिर एक डॉक्टर होते हैं पोडियाट्रिस्ट, पांव की छोटी मोटी बीमारियों का ये इलाज करते हैं, यानी पैरों के रोग के विशेषज्ञ होते हैं, पैरों के इलाज के माहिर होते हैं। फिर है साइकेट्रिक, माहिर नफ्सियात मनोरोग चिकित्सक यानी जो जहनी बीमारियों का इलाज करता हो। तो दोस्तों, ये डॉक्टरी के पेशे से जुड़ी छोटी सी लफ्जियात थी और उसके बाद हम बात करेंगे मेंटल डिजीज की, मानसिक रोगों के क्या क्या प्रकार हैं, दिमागी बीमारियों के मुताल्लिक क्या क्या इस्तलाहात हैं, क्योंकि जहनी बीमारी का मतलब सिर्फ पागलपन नहीं है। ऐसी छोटी मोटी कई बीमारियां या बीमारियां नहीं, लेकिन कुछ आदतें हमारी ऐसी हो जाती हैं कि वो मनोरोग या मानसिक रोग की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, तो उन्हीं को हमने चुना है। और सबसे पहले जिस बीमारी पर हम बात करेंगे, मतलब समझेंगे, वो है एलेक्सिया। और एलेक्सिया को उर्दू में लफ्ज कोरी और हिंदी में पढ़ने में असमर्थता कहते हैं, यानी जब कोई पढ़ नहीं पाता है उसे एलेक्सिया होता है। फिर है एमेंजिया, ये है गायब दिमागी स्मृति नाश यानी जब इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है। उसके बाद है एफेशिया, बोलने की शक्ति का नाश हो जाना यानी किसी जहनी बीमारी की वजह से, जहन की वजह से बोलने की कुव्वत खो देना। फिर है डिमेंशिया, जहनी बिगाड़ है ये, और जब मनोदशा बिगड़ जाती है तब डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी है ये भी। फिर है डिप्सोमेनिया, इस बीमारी को शराब की लत भी कहते हैं, यानी जब शराब पीने की बड़ी जबरदस्त इच्छा किसी में हो जो पीता है उसे हम डिप्सोमेनिया कहते हैं। फिर है हाइपोकॉन्ड्रिया,
ये मिराख की हालत होती है, रोग भ्रम इसे कहते हैं। इसमें इंसान किसी के स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर हमेशा घबराया हुआ रहता है या हमेशा फिक्रमंद रहता है। फिर है इंसोमेनिया, इसका मतलब है बेख्वाबी, अनिद्रा, जब किसी को लगातार नींद नहीं आती है। फिर है क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया है चोरी का जुनून, चोरी करने की बीमारी। यानी जब इंसान में, किसी नॉर्मल इंसान में भी ये हो सकती है कि जब किसी चीज को चुराने की उसके अंदर एक ख्वाहिश जागे या इच्छा प्रबल हो। फिर है मेगलोमेनिया, मेगलोमेनिया है बड़ाई का खप्त, अहंकार, उन्माद, यानी अपनी महानता के बारे में झूठा या दंभ होना या भ्रांत विश्वास होना। फिर एक बीमारी है मेलनकोलिया, जिसे हम अफसुर्दा खातिर या विषाद रोग कहते हैं, और इसका लक्षण ये होता है कि इंसान हमेशा मायूस, दुखी और निराश रहता है और हमेशा निराशा की या मायूसी की बातें करता रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं आपके कमेंट्स का, हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।